हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्य साधना। तो हम करने जा रहे हैं नाउन पार्ट 3 और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं नाउन के जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। तो नाउन के जो जेंडर है उनको फोर टाइप्स में बांटा गया है। इसके फोर पार्ट्स हैं। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, देन फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो हम वन बाय वन सारे जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मैस्कुलाइन जेंडर। अ नाउन दैट इज सेड टू बी मैस्कुलाइन इफ इट रिफर्स टू मेल कैरेक्टर। मतलब जो भी नाउन मेल कैरेक्टर को दिखाती है, रिफर करती है, उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि बॉय, किंग, टाइगर, मैन, अंकल, जेंटलमैन, ठीक है, लाइन, डॉग, ये सारे क्या हैं, मेल कैरेक्टर्स हैं। तो इनको हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे। फेमिनाइन जेंडर। अ नाउन इज सेड टू बी फेमिनाइन इट रिफर्स टू फीमेल कैरेक्टर। मतलब एक नाउन है उसको फेमिनाइन जेंडर हम तभी कह पाएंगे जब वो फीमेल कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, गर्ल, क्वीन, वुमेन और आंट, ठीक है, और भी है, लेडी है, टाइग्रेस है, लाइनेस है, ठीक है, काउ है। तो ये सारे फीमेल कैरेक्टर को शो करते हैं। तो ये क्या हो गए, फेमिनाइन हो गए। अब हम देख लेते हैं कॉमन जेंडर और लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर। जो कॉमन जेंडर होता है वो दोनों ही मेल और फीमेल कैरेक्टर्स को शो कर सकता है, लेकिन जो न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर वो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। अब देखिए, कॉमन जेंडर जो होता है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसलिए इसके एग्जांपल देखिए, टीचर, टीचर आपके सर भी होते हैं, मैडम भी होती हैं, सर आपके मेल होते हैं, मैडम आपकी फीमेल होती हैं। डॉक्टर भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है और चाइल्ड भी, बच्चा भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे कॉमन जेंडर के। अब देखिए, न्यूट्रल जेंडर मैंने आपको बताया ना तो मेल होता है ना फीमेल। तो एग्जाम्पल है माउंटेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, रूम, बुक, कुछ भी कह सकते हैं हम। इनके जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते किस कैरेक्टर के हैं, ये मेल है कि ये फीमेल है। तो इनको हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। तो अब देखिए, एक वर्ड आ गया यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन। तो ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, आप सिर्फ शॉर्ट में इतना याद रखिए कि ये जो पर्सोनिफिकेशन होती है, ये हम ज़्यादातर पोएट्रीज में यूज करते हैं जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को इस तरीके से शो करते हैं जैसे कि वो एक लिविंग थिंग हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कई बार हम पोएट्रीज पढ़ते हैं और उसमें हम पहाड़, वो कविता होती है, मान लीजिए किसी पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के, तो वो अपनी कहानी सुना रहा होता है और ऐसा दिखा रहा होता है कि मैं सो रहा था या मैं खा रहा था। मतलब ये सब पहाड़ बोल रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो एक लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, नदियाँ होती हैं, नदियाँ अपनी कहानी बताती हैं कि हम बड़े परेशान हैं क्योंकि लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस तरह की पोएट्रीज होती हैं। तो क्या नदी असलियत में बोलती है, नदी तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन करके हम उसको लिविंग थिंग की तरह यूज करते हैं। कई बार आपने पोएट्रीज पढ़ी होगी, एक ट्री बोल रहा है कि मुझे मत काटो, मैं आपको ये सब देता हूँ, उसके बदले आप मुझे ही काट देते हो। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह शो करते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और ऐसा काम हम ज़्यादातर पोएट्रीज में ही करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इनके कैरेक्टर के बारे में, ये मेल हैं कि फीमेल हैं, हम नहीं बता सकते। इसलिए हम न्यूट्रल जेंडर के बारे में, न्यूट्रल जेंडर ही इनको रखते हैं। लेकिन पर्सोनिफिकेशन में हम इनको कैरेक्टर दे सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल। लेकिन अब हम आगे ये देखेंगे कि हम किसको मेल माने और किसको फीमेल माने। तो देखिए, मेल हम उसको मानेंगे जो पावर को शो करेगा, जो वायलेंस को शो करेगा और जो क्रुएल्टी को शो करेगा। पावर मतलब जो चीज़ ताकत का प्रतीक होगी, ताकत दिखाएगी, उसको हम मेल मानेंगे। और जो हिंसा दिखाएगी उसको भी हम मेल मानेंगे, लाइक वायलेंस।
क्रुएल्टी जो दिखाएगा उसको भी हम मेल मानेंगे, ठीक है। तो मेल हमने देख लिया, अब देखते हैं फीमेल को हम कैसे पता करेंगे कि किसको हम फीमेल कैरेक्टर दे दें। तो जो सुंदरता यानी ब्यूटी को दिखाए उसे हम फीमेल मानते हैं, जो मॉरल को दिखाए मतलब नैतिक बातों के बताए जैसे कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको हम फीमेल की कैटेगरी में रखते हैं। और जो कामनेस का प्रतीक होती है उसको भी हम फीमेल की कैटेगरी में रख देते हैं। तो एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, द मून हैज हिडन हिज हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक है। चांद ने अपना जो चेहरा है वो क्लाउड्स बादलों के पीछे छुपा लिया है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है। अब आपको बताना है कि हिज आएगा कि हर आएगा, तो उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मून को हम मेल माने या फीमेल माने। मेल माने तो आप हिज लगाएंगे और फीमेल मानोगे तो हर लगाना है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो ये लिस्ट है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर की, कुछ ही मैंने इसमें लिए हैं। जैसे आप, ये तो बहुत इजी है ना, बॉय का गर्ल। और अब आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद से, नेफ्यू का नीस, नीस होता है, स्पेलिंग गलती करते हैं नीस की, इस पर ध्यान दीजिएगा। बैचलर का स्पिंस्टर होता है, डॉग का पिच होता है, जेंटलमैन का लेडी होता है, ड्रेक का डक होता है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, अक्सर गलतियां कर देते हैं। डेक का क्या होता है, डॉग का बिच, एंड ड्रेक का क्या होता है, डक, ठीक है। फिर उसके बाद गॉड का गॉडेस पता ही है, बुल का काऊ याद रखना, कॉक का हेन तो आपको पता ही है, तो उसी से आप याद रखना, पी कॉक मैस्कुलाइन होगा और पी पी हैन क्या होगा, ये फेमिनाइन होगा।